नमस्कार, स्पार्कल प्राइम इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पिछड़ी जातियों ने बुलंद की आरक्षण की आवाज, महापंचायत के साथ किया प्रदर्शन। सिंह द्वार अलवर में गरमाया चुनावी माहौल, भाजपा के अगले कदम पर टिकी नजर। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह का हुआ स्वागत। चिकित्सक हड़ताल पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, कानूनी कार्यवाही के दिए आदेश, ट्रांसफर निरस्त करने पर अटका मामला। किरोड़ी मीणा को समर्थकों सहित किया गिरफ्तार, मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाने का किया था प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश भर से आए 5 जातियों के लोगों ने झालावाड़ में महापंचायत की, वहीं आरक्षण नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। इनका कहना था कि उपचुनाव में बीजेपी नेताओं को गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा। यह जातियां यूपी और मध्य प्रदेश की तर्ज पर एससी और एसटी में शामिल करने की मांग उठा रही हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के बाद अब 5 अन्य जातियां आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर आ गई हैं। झालावाड़ जिले में प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों लोग इकट्ठे हुए। इनमें कहार, कीर, भोई, मेहरा और कश्यप समाज के लोग शामिल थे। उन्होंने यूपी की तरह एससी और मध्य प्रदेश की तर्ज पर एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही केवट बोर्ड के गठन की मांग उठाई। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक उमा शंकर ने मांगे नहीं माने जाने पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आरक्षण नहीं मिलता है तो उपचुनाव में समाज के लोग बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। वर्ग के बाद ही 5% आरक्षण एससी या एसटी में शामिल करने के लिए हमारे सर्वे करवाया जाए। प्रमुख मांग हमारी केवट बोर्ड के गठन की है, तुरंत होनी चाहिए, नहीं तो हम जो उपचुनाव को आ रहे हैं उसमें हम बीजेपी के पदाधिकारियों का विरोध करेंगे। हमारे समाज के बाहुल्य गांव में बीजेपी के कैंडिडेट को घुसने भी नहीं देंगे और 26 फरवरी को वापस हम मिनी सचिवालय पर महापड़ाव डालेंगे। इसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और हम आरक्षण के वोट बोर्ड का गठन करवा के मानेंगे। राजस्थान की यादव बाहुल्य सीट अलवर पर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह को प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीट बरकरार रखने के लिए भाजपा आखिरकार किसे उम्मीदवार बनाएगी। भाजपा के सामने दुविधा ये है कि यदि श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव को प्रत्याशी बनाया गया तो यादव वोट बटेंगे। वहीं डॉक्टर जसवंत की पार्टी के भीतर कुछ नेता खिलाफत भी करते आए हैं, जिनमें मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर रोहिताश शर्मा और मुंडावर के एमएलए धर्मपाल चौधरी प्रमुख है। लेकिन यह भी सच है कि यादव प्रत्याशी नहीं बनाकर इस समुदाय को नाराज करने का जोखिम मोल लेने से पहले भाजपा जरूर सोचेगी। ऐसे में पूर्व जिला अध्यक्ष संजय शर्मा विकल्प है, जिनके अध्यक्ष रहते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 11 में से 9 सीटें जीती थी। उधर कांग्रेस ने अपने पत्ते पहले खोलकर भाजपा को चिंतन पर मजबूर कर दिया है। वहीं प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव खैरतल पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खैरतल नगर पालिका अध्यक्ष अशोक डाटा, गिरीश डाटा और डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता आदि भी इस मौके पर मौजूद रहे। वही टिकट की घोषणा होने के बाद कल देर शाम करण सिंह यादव नीम राणा के जोशी होड़ा आश्रम भी पहुंचे। उन्होंने राठ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा केतारनाथ की समाधि पर नमन किया। वहीं पूजा अर्चना कर आश्रम के महंत शंकर नाथ से आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। डॉक्टर यादव का यह भी कहना था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर ऐसे समय में भरोसा जताया है जब वे पिछले 10 सालों से
चुनावी राजनीति से बाहर थे। उनका कहना था कि जनता भाजपा के कुशासन का सामना कर रही है। डॉक्टर यादव ने अलवर सांसद रहे जितेंद्र सिंह का भी खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि ये चुनाव उनका ही है और मैं तो एक चेहरा हूँ। वहीं यह चुनाव पूरी कांग्रेस लड़ेगी। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय कांग्रेस नेता एडवोकेट बस्तीराम यादव, राजाराम यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बेनी प्रसाद जोशी, एडवोकेट हितेंद्र घुमंतु, बंजारा समाज कल्याण संगठन के शेर सिंह बड़ गुजर आदि भी साथ थे। बड़ा मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने धोखा दिया, अलवर को नेग्लेक्ट किया, अलवर के प्रोजेक्ट को रोका। बाबा जी की गैर मौजूदगी में परमात्मा बाबा जी की आत्मा को शांति दे, वो बीमार थे, लेकिन उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हो सकते हैं, उनके सारे इतने सारे MLA थे, इतने सारे मंत्री थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, बाबा जी के स्वयं के माननीय शिष्य जिनके बारे में कभी कभी चर्चा चलती है कि शायद चुनाव लड़ेंगे, वो थे। वो आकर के लोगों के बीच में जाते, दुख दर्द कह के जाते, वो कहते हैं किसी दूसरे सांसद से कहते हैं कि मेरे अलवर की इन मांगों को आप उठाइए। उनकी ड्यूटी बढ़ती बनती थी कि जो अलवर के रुके हुए प्रोजेक्ट है उनको चालू करें, पर उनकी तो बात छोड़िए, आप लोकसभा का रिकॉर्ड देखें तो एक शब्द अलवर के नाम पे अंकित नहीं है रिकॉर्ड के अंदर। किसी MP ने, किसी मंत्री ने, राजस्थान में और 24 MPs थे, किसी आदमी ने कभी अलवर का कोई जिक्र नहीं किया। लोगों को ये मन मना लिया लोगों ने कि हमें इनको रवाना करना है। अब ठीक है, डेस्परेटली वसुंधरा जी आई, घर घर मिल के गई, हर जगह मंत्री लगा रखे हैं, हर जगह पार्टी के वर्कर्स लगा रखे हैं, लोग आते हैं तो मान सम्मान माला पहना देते हैं, लेकिन उनका मन जो है, जिस हिसाब से कल से टिकट मिलने के बाद में मैं जहाँ गया हूँ, जितने उत्साह लोगों के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं विनम्रता से बड़बोली बात नहीं करता, हर जगह मंत्री लगा रखे हैं, हर जगह पार्टी के वर्कर्स लगा रखे हैं, लोग आते हैं तो मान सम्मान माला पहना देते हैं, लेकिन उनका मन जो है, जिस हिसाब से कल से टिकट मिलने के बाद में मैं जहाँ गया हूँ, जितने उत्साह लोगों के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं विनम्रता से बड़बोली बात नहीं करता, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि कांग्रेस बहुत भारी मतों से इस चुनाव को जीतेगी। उधर सार्वजनिक स्थानों पर भी उपचुनाव की चर्चाएं तेज हो गई है। भाजपा के संभावित प्रत्याशी ही नहीं बल्कि जीत हार को लेकर भी लोग अभी से अपनी राय जताने लगे हैं। किसी का मानना है कि भाजपा की राह खासी आसान है तो कोई डॉक्टर करण सिंह को दमदार बता रहा है। मेरे हिसाब से तो जो मोदी जी का अभियान है कांग्रेस मुक्त भारत, जो अभी हिमाचल में हाल हुआ, गुजरात में हाल हुआ, वही हाल राजस्थान अलवर में भी होने वाला है। एक तरफा जीत है BJP की। GST ले लो, चाहे नोटबंदी ले लो, कोई भी काम, सारा काम बढ़िया तरीके से हो रहा है। अब लोग टैक्स देने लगे हैं, पहले टैक्स चोरी करते थे, सारे लोग खा जाते थे, बीच में मिल बांट के खाते थे, लेकिन अब काम सारा सिस्टम से हो रहा है। रणनीति ये है, NT यादव टिकट मिलने की उम्मीद है। अब जैसे पहले डॉक्टर जसवंत यादव का भी नाम चल रहा था, लेकिन अब लगता है कि तो जनरल कास्ट को ये टिकट दिया जाए, जिससे सीट BJP की निकल सकती है, अदरवाइज ये टिकट सीट नहीं निकल पाएगी। करण सिंह एक मजबूत उम्मीदवार है, इसलिए एक जनरल कैंडिडेट को दिया जाए टिकट। ये BJP पूंजीपतियों की पार्टी है, इसमें गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, सारे विधायकों की मनमानी चल रही है पूर्णतः। कांग्रेस गरीबों के साथ है, गरीबों के हमेशा साथ रही है, लेकिन BJP से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर करण सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है मौजूदा, अभी भाजपा ने पत्ते नहीं खोले, ऐसे में ऐसा कौन सा प्रत्याशी आपको अलवर में नजर आता है कि जो एक कांग्रेस को टक्कर दे सकता है या सीट निकाल सकता है? वो अपने संजय शर्मा जी है, जो कि अगर इनको टिकट दिया जाए साथ निकल जाए। डॉक्टरों के हड़ताल के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा सकते। राजस्थान में डॉक्टरों के हड़ताल का सोमवार को 10वां दिन है। हड़ताल के कारण मरीज भारी परेशानी उठा रहे हैं। उधर डॉक्टरों की हड़ताल पर क्रिसमस डे हॉलीडे होने के बावजूद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। CJ प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी। सरकार ने कहा कि राज्य में रेशमल लागू है और फिर भी डॉक्टर काम पर नहीं लौट रहे। सेवारत चिकित्सकों के अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। इसका महाधिवक्ता
एनएम लोढ़ा ने विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक भी चिकित्सक की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसके बाद अदालत का रुख था कि डॉक्टर काम पर नहीं लौटे और उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, इसलिए सरकार हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करे। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली हैं और जहां तक ट्रांसफर की बात है तो यह नियमित प्रक्रिया है। वहीं चिकित्सा मंत्री ने बताया कि रविवार रात 12 बजे से तड़के 5 बजे तक डॉक्टरों से वार्ता भी की गई, लेकिन सेवारत चिकित्सक संघ अपने डॉक्टरों के ट्रांसफर निरस्त करने की मांग पर अड़ा है, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर नहीं किया। सराफ ने कहा कि ट्रांसफर के मुद्दे को छोड़कर सेवारत चिकित्सा संघ की सभी मांगों पर राज्य सरकार पहले ही सहमति जता चुकी है। जालौर के शंखवाली गांव में दलितों को प्रवेश कराने के मामले में राजापा प्रदेश अध्यक्ष और लालसोट विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 50 समर्थकों को भी शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें आहोर तख्तगढ़ मार्ग पर चरली गांव के पास पुलिस सुरक्षा में बस में रखा गया। मौके पर एसपी विकास कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। किरोड़ीलाल मीणा ने आहोर में रैली को संबोधित किया था। इसके बाद शंखवाली गांव स्थित एक मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलवाने के लिए उन्होंने रैली सहित कूच किया। वहीं राजपुरोहित समाज ने मंदिर को निजी बताते हुए प्रवेश का विरोध जताया। इसके चलते मीणा के समर्थक और राजपुरोहित समाज आमने सामने हो गए। पुलिस प्रशासन ने कई दौर की वार्ता की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं स्थिति को उग्र होते देख पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीणा सहित उनके 50 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं डॉक्टर मीणा का कहना है कि दलितों पर अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा। कि दलितों के साथ अत्याचार होता है, दूल्हे घोड़ी पर नहीं बैठ सकता, दबंगों के सामने मोटरसाइकिल से नहीं निकल सकते, एक शमशान में दाह संस्कार नहीं कर सकते, मटकी के हाथ नहीं लगा सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इन विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हमने सभा की थी और हम सभी मंदिर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन किसी प्रकार का अनरेस्ट नहीं हो, अशांति नहीं फैले, इसलिए हमने 11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल शंखवाली गांव में भेजा था मंदिर में प्रवेश करने के लिए। वहाँ और बाकी लोगों को अपने 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 घर आग्रह करके घर भेज दिया, वापस भेज दिया। 10-15 हज़ार की भीड़ थी, सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो हमें पता लगा कि वो मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए, प्रवेश नहीं करने दिया, तो हम भी जिस जगह हमको प्रशासन ने रोका था वहाँ से मंदिर में प्रवेश करने के लिए रवाना हुए। तो वहाँ एसपी कलेक्टर साहब मौके पर पहुँचे और हमको गिरफ्तार करके जितने भी हम 40-50 लोग हैं यहाँ पर ले आए और हमको 151 गिरफ्तार किया। हम यहाँ गिरफ्तार उसमें स्थिति में बैठे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना के पुत्रों पर युवक से मारपीट और अपहरण के आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मारपीट में घायल हुए युवक के पिता ने मंत्री पुत्रों की गिरफ्तारी की मांग पर आज आत्मदाह का प्रयास किया, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पीड़ित के पिता सतीश यादव ने 3 दिन पहले ही आत्मदाह की चेतावनी दे दी थी। सोमवार सुबह वह अलवर के जिला न्यायालय परिसर में पहुंचा और आत्मदाह की तैयारी करने लगा, लेकिन पुलिस ने यादव को तत्काल पकड़ लिया और कंबल से उसको ढककर आग नहीं लगाने दी। उसके बाद में उसे आत्मदाह के प्रयास के मामले में हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को मंत्री के पुत्रों पर सतीश यादव के बेटे तेज सिंह के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। आरोप है कि मंत्री भड़ाना के बेटे शिवाजी पार्क से तेज सिंह को वीर सावरकर नगर स्थित अपने घर ले गए और जमकर पीटा। वहीं घर के सामने एक बाड़े में उसे कैद कर दिया गया। हालांकि मंत्री खेमे का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और तेज सिंह ने अपने साथियों के साथ मंत्री को गाली देने के साथ ही उनके कर्मचारियों को पीटा था। उधर सतीश यादव का आरोप है कि मंत्री के पुत्रों से पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह से पूछताछ नहीं की, जबकि पीड़ित युवक और उसके परिजनों से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। एक गरीब किसान और गरीब किसान की कोई मदद नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने वो चेतावनी दी थी और उस चेतावनी के आधार पर चारों तरफ पुलिस नाकाबंदी कर दी गई है, इसलिए मैं बड़ा घबराया हुआ हूँ और मैं जाकर और
स्थान बताया है वहीं आत्मदाह। यदि पुलिस इतनी ये मेरे लिए लगाई गई है, इतनी यदि मंत्री के बेटे को ढूंढने में या पकड़ने में लगाते तब तक उनको कामयाबी मिल जाती, लेकिन वो एक मंत्री का बेटा है, पुलिस उनके दबाव में है, इसलिए उनको नहीं पकड़ पाई और मेरे को आत्मदाह से रोक। वहाँ पर जो पीड़ित पुत्र है हमने उसके पिता वहाँ पर सतीश यादव हमने 10/5/7/7 वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद इन्होंने धमकी दी कि मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। पूर्व में इन्होंने दो बार पत्रकार भास्कर में प्रकाशित करा चुके हैं इस मामले को, उस पर पुलिस ने मौके पर जाके काफ़ी समझाइश की, समझाइश ना कर मानने के बाद में इनको कदम अधिकार मौके से गिरफ्तार करके मेडिकल कराया गया है और नियमानुसार कार्रवाई जारी है। अभी जो मुकदमे के जो मुस्किज हैं, जो परिवादी हैं, वो अभी तक हॉस्पिटल में हैं, उनके आने पे ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, कोई दबाव नहीं है। जो भी उन्होंने FIR दर्ज कराई है उसके अंदर नियमानुसार कार्रवाई होगी। जंगल के जीवन में कई रहस्य और पहलू छिपे हैं। एक ओर पेट भरने के लिए मांसाहारी जीव शिकार करते हैं तो दूसरी ओर समय आने पर उनमें संवेदनशीलता भी नजर आती है। ऐसा ही कुछ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जंगल में एक तेंदुए ने गर्भवती मादा बंदर का शिकार किया। मौत के क्षण में उस मादा बंदर के शिशु का जन्म हो गया, लेकिन जब तेंदुए ने महसूस किया कि उसने क्या किया तो उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। इसके बाद एक अन्य जंगली जानवर से बचाते हुए तेंदुआ इस शिशु बंदर को अपने साथ पेड़ पर ले गया और उसकी जान बचा ली। यही नहीं, वह किसी माँ की तरह उसकी देखभाल के लिए तत्पर नजर आया। शायद इस प्रसंग से इंसानों का एक वर्ग भी प्रेरणा ले सकता है जो स्वार्थ को सबसे ऊपर मानता है। राजस्थान सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जयपुर डिस्कॉम दौसा द्वारा नोटबंदी के दौरान बैंक में जमा करवाए नोटों की सूचना देने के निर्देश दिए हैं। 8 नवंबर से 10 नवंबर 2016 की अवधि में 500 और 1000 रुपए के यह नोट जमा करवाए गए थे। बिजली वितरण कंपनी जयपुर डिस्कॉम ने देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा बताते हुए यह सूचना देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सूचना आयोग ने इस तर्क को विवेकहीन और आपत्तिजनक मानकर ठुकरा दिया। आयोग ने बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता को आदेश दिया है कि 21 दिन में आवेदक को 500 और 1000 रुपए के नोट बैंक में जमा करवाने की पर्चियों की प्रतियां दी जाएं, वहीं अन्य सूचनाएं भी प्रदान की जाए। सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने बांदीकुई निवासी हेमचंद सैनी की अपील पर यह फैसला सुनाया। बिजली कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम की एक धारा के तहत सैनी को सूचना देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सूचना आयुक्त ने अपने फैसले में कहा कि यह धाराएं सिर्फ देश की सुरक्षा, संप्रभुता, आर्थिक हित और विदेश संबंधों से जुड़ी सूचना देने को प्रतिबंधित करती हैं। उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के दौरान दौसा क्षेत्र में बिजली कंपनी के कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से पुराने नोट बदलने के कई मामले सामने आए थे। केंद्रीय एजेंसियां भी इसकी जांच भी कर रही हैं। पिछड़ी जातियों ने बुलंद की आरक्षण की आवाज, महापंचायत के साथ किया प्रदर्शन। सिंहद्वार अलवर में गरमाया चुनावी माहौल, भाजपा के अगले कदम पर टिकी नजर, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह का हुआ स्वागत। चिकित्सक हड़ताल पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, कानूनी कार्यवाही के दिए आदेश, ट्रांसफर निरस्त करने पर अटका मामला। किरोड़ी मीणा को समर्थकों सहित किया गिरफ्तार, मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाने का किया था प्रयास।